मार्केट एक्शन में सेक्टर्स के लिहाज से कहाँ एक्शन ज्यादा है ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंश भिलवार हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं। अंश, मिड मार्केट एक्शन में अगर बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स कहें तो मेरे ख्याल से फार्मा के कुछ काउंटर्स हैं जो तेजी दिखा रहे हैं, तो क्या फार्मा इंडेक्स के लिहाज से मिड मार्केट में अच्छा करता हुआ? जी बिल्कुल, फार्मा इंडेक्स एक्चुअली ओनली इंडेक्स है जो हमें हरे निशान में दिख रहा है। सुबह के टाइम में देखेंगे तो ये कुछ 1% की तेज़ी के साथ था, अभी कुछ अराउंड 0.4% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस लिस्ट में देखें तो सबसे पहले हमें डीवी स्लैब नज़र आ रहा है जो करीबन 2.5% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ स्टॉक ने आज 2 ईयर हाई का स्तर भी छुआ है, लेकिन थोड़ा ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है तो इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख सकती है। दूसरा स्टॉक यहाँ पर हमें नैटको फार्मा का नज़र आ रहा है, इसमें भी अच्छी तेज़ी थी लेकिन मार्केट के दबाव के कारण इसमें भी बिकवाली दिख रही है और थोड़ा अभी भी हरे निशान में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ग्लेनमार्क की बात की जाए तो ग्लेनमार्क ने तो आज 8 ईयर हाई का स्तर छुआ था, उसके बाद उसमें वापस बिकवाली आई और थोड़ा सा ऑलमोस्ट फ्लैट के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हमें निफ्टी रियलिटी इंडेक्स नजर आता है। इसका इंडेक्स का अगर चार्ट भी देखा जाए तो इंडेक्स ने बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है नीचे की तरफ। इसके चलते हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है तो यहाँ पे एक बेयरिश सेंटीमेंट नजर आता है। इस लिस्ट में देखें तो सबसे पहले हमें फिनिक्स मिल्स नजर आता है जिसका चार्ट देखें तो 4 सेशन से एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, वहाँ से स्टॉक ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें ब्रिगेड का नजर आता है, इसमें भी हमें बिकवाली नजर आ रही है, साथ ही साथ बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया जो कि एक नीचे की तरफ बेयरिश सेंटीमेंट इंडिकेट करता है। साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी बिकवाली होती हुई दिख रही है। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे डॉम्स इंडस्ट्री सबसे पहला नाम आ रहा है क्योंकि स्टॉक में अच्छी तेजी नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर इसका चार्ट देखें तो करीबन 24-25 सेशन से एक कंसोलिडेशन में एक रेंज में फंसा हुआ था, वहां से आज काफी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे विजय डायग्नोस्टिक का है और तीसरा यहाँ पे एक्साइड है जिसमें अच्छी खरीदारी दिख रही है। एक्साइड का भी चार्ट देखें तो दरअसल कल के सेशन में एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था और वही पॉजिटिविटी हमें आज भी होती हुई नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे सुमितोमो केमिकल नजर आ रहा है, उनके आंकड़ों के कारण टिमकेन में भी भारी वॉल्यूम के साथ अच्छी तेजी नजर आ रही है। आइनॉक्स विन का देखें तो लोअर सर्किट छू चुका है भारी वॉल्यूम के साथ। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो हमें ऑटो एंसलरी में बिकवाली नजर आ रही है और इस लिस्ट में हमें ऑटो एक्सल, एनआरबी बेयरिंग और रिगो ऑटो जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिसमें 2 से 4% की बिकवाली नजर आ रही है। प्रियांश, इस पूरे मार्केट मिड मार्केट एक्शन के राउंडअप के लिए और बाजार के एक्शन पर चलिए और बात कर लेते हैं। हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा जुड़ गए हैं। विवेक, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। तो बाजार यहाँ पर काफ़ी फ्लैट और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा चुनाव नतीजों से पहले आखिरी हफ्ता जहाँ पर और बहुत ही क्रूशियल हफ्ता और इसके बाद मेरे ख्याल से एक बार 1 तारीख के बाद शाम से ही एग्जिट पोल्स आने शुरू हो जाएंगे तो अगला सोमवार का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी हद तक नतीजों के अनुमान से प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले कमोबेश आपको लगता है कि अब पूरे कारोबारी सत्र में आने वाले दिनों में भी बात हो रही है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आपकी नज़र ज़्यादा रहेगी? विवेक, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी श्वेता, बीच में आवाज कट गई थी, रिपीट कर सकते आपका सवाल? बिल्कुल, मेरा आपसे यही सवाल था कि अब आज का कारोबारी सत्र और बाकी जितने भी सत्र बचे हैं क्योंकि चुनाव नतीजों का अनुमान जो है वो आना शुरू हो जाएगा 1 तारीख के बाद शाम से लगातार, सोमवार का जो कारोबारी सत्र होगा वो काफ़ी हद तक अनुमान बेस्ड हो सकता है, बाजार भी भापने की कोशिश करेगा नतीजों को, तो ये हफ्ता काफ़ी क्रूशियल है और फिलहाल आज की चाल बाजार की काफ़ी सपाट, ब्रॉडर मार्केट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे। आपको अगर इस तरह के बाजार में कहीं ट्रेड लेना हो तो क्या आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे? जो आपको विक्स, इंडिया विक्स दर्शा रहा है अभी वापस करेक्शन के 24-25 के बीच में घूम रहा है, तो आपको मतलब ये समझना है कि जो एक बहुत बड़ा इवेंट है, इनफैक्ट देश का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट है ये, क्योंकि एक सरकार तीसरी बार आने की कोशिश कर रही है और आएगी नहीं आएगी वो तो 4 जून बताएगा, लेकिन अगर तीसरी बार आती है तो ये बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है देश का।
तो इसके लिए बाजार इसको बहुत ही कॉशियसली ले रहा है। और देखिए, एक ही चरण बचा है चुनाव का, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम लोग 4 जून की ओर जाएंगे, इनफैक्ट जब 1 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे, आपको शाम को लगभग ये मिलना चालू हो जाएंगे एग्जिट पोल्स वगैरह, तो उस बेसिस पे बाजार वॉलेटाइल ही रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट टर्म तो बहुत ही वोलेटाइल रहने वाला है, और मुझे लगता है कि ट्रेडर्स के लिए ये सत्र अगले 7-8 दिन थोड़े से मुश्किल रहने वाले हैं, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस में बहुत जल्दी ट्रिगर हो सकते हैं। और अगर आज का भी बाजार आप देखो तो ऊपर खुला, उसके बाद में लाल निशान में गया, वापस अभी ऊपर चल रहा है, तो ये ट्रेंड आपको जारी दिख सकता है, और लगे दिखेगा कि दोनों साइड ही आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं। तो बहुत ही शार्प आपको रहना पड़ेगा, पहली चीज। और हाँ, इस दौरान कोई भी अगर मेजर ड्रॉप आता है बाजार में, उस समय आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और मिड टर्म इन्वेस्टर है, उनको तो खरीदारी की राय रहेगी, और बाकी तो 4 इलेक्शन के बाद ही, मतलब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, वोलेटाइल